नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों के लिए लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड सरकार की ओर से। दोस्तों, एक और नई भर्ती की गजट जारी हो चुकी है। तो फ्रेंड, हम लोग वीडियो में पूरे विस्तार से देखने वाले हैं इनकी योग्यता क्या रहेगी, एज क्या रहने वाली है। तो वीडियो पे बने रहे। और एक बात दोस्तों मैं बता दूँ, लगातार छात्र कमेंट कर रहे हैं कि राज्य में सिर्फ गजट ही प्रकाशित हो रही है, विज्ञापन नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। झारखंड सरकार जो काम करी है फ्रेंड, सिर्फ गजट ही पास करी है, लेकिन विज्ञापन का कोई यथा पता नहीं है। तो फिर भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही हर पल अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, मैं ईमानदारी से एक बात कहूँ तो फ्रेंड, राज्य में सिर्फ गजट ही प्रकाशित हो रही है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन का कोई भी अथाह पता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों के साथ बहुत ही दोस्तों बुरा व्यवहार कर रही है राज्य सरकार। मैं तो दोस्तों यही कहूँगा, सीधे सीधे जो इंजाम है फ्रेंड, मैं राज्य सरकार के ऊपर लगाता हूँ। देख सकते हैं ये जो अधिसूचना निकल कर आ रही है फ्रेंड, गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग से निकल कर आ रही है। क्या फ़ायदा ऐसा गजट जारी करके जो कोई भर्ती का अथाह पता ही नहीं है। तो फिर भी चलिए देख लेते हैं ये जो फ्रेंड जो नियमावली जो बनी है, झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग भर्ती नियमावली। तो फ्रेंड, ये जेएसएससी के द्वारा जो है भर्ती आएगी और इनकी जो संशोधन नियमावली गठित पूरी कंप्लीट कर ली गई है। ठीक है, और फ्रेंड इनका संक्षिप्त नाम एवं विस्तार, ये नियमावली झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा कर्मी संवर्ग भर्ती पुनोति एवं सेवा सर संशोधन नियमावली 2021 कही जाएगी। और फ्रेंड इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में प्राप्त होगा। देख सकते हैं फ्रेंड, जो ये जो भर्ती है टेक्नीशियन के लिए, ये पूर्व में अंकित थे फ्रेंड और इनको संशोधित किया गया है। तो अनिवार्य योग्यता फ्रेंड आप लोगों को मैं बता दूं, अभ्यर्थियों को आयोग आवेदन संति प्राप्त होने में 10+2 से दोस्तों आप लोगों का जो है विज्ञान से पास होना अनिवार्य है। ठीक है, और साथ ही फ्रेंड मैं बता दूँ, ये जो है फार्मासिस्ट मिश्रक, ये सभी भर्ती के लिए दोस्तों ये जो योग्यता है ये सेम रखी गई है। ठीक है, ये संशोधित प्रावधान है, पूर्व में अंकित प्रावधान था। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये मिश्रक फार्मासिस्ट टेक्नीशियन का जो दोस्तों योग्यता था ये सेम था। इसके बाद फ्रेंड मैं बात करूँगा पुरुष नर्स ANM। ठीक है, पुरुष नर्स ANM, तो फ्रेंड इनका जो ये पहले का नियमावली था, लेकिन फ्रेंड इनको संशोधन करते हुए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को झारखंड बोर्ड से ही 10वीं कक्षा 45% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। ठीक है, साथ ही दोस्तों रीति रिवाज भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, साथ ही फ्रेंड परंतु यह झारखंड के मामला को जो है तिथि रखेगा, उक्त ANM की जो है फ्रेंड शैक्षणिक योग्यता वो भी यथावत प्रावधान संबंधी विशेष योग्यता चाहिए। ठीक है, ANM से। इसके बाद जो है फ्रेंड परिधापक का है, तो इनके भी जो है फ्रेंड 10+ होना पास अनिवार्य है। ठीक है, ये पहले का नियमावली फ्रेंड, तो इसको लेकर नहीं चलना है। ठीक है, ये वर्तमान में है, ये दोस्तों इसको लेकर चलना है। ठीक है, नर्सिंग अर्दली, इनकी भी दोस्तों योग्यता सेम रखी गई है। और फ्रेंड आप लोगों को मैं बता दूं, इनका भी जो मैटर है ये भाषा परिवेश ज्ञान से अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही एक भर्ती था जो इनको राज्य सरकार ने कार्मिक सचिव वंदना डाडेल से स्वीकृति मिल चुकी है और इनका गजट प्रकाशित हो चुका है। तो फ्रेंड फाइनली आप सभी छात्रों के लिए लेटेस्ट अपडेट थी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही फ्रेंड आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे पड़ी हुई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।